क्या मज़े का प्लेस है। ये देखें जी बच्चे भी, पुराने ज़माने की मूर्तियाँ जी बनी हुई हैं। ये इंडोनेशिया का कल्चर दिखाया जी इसमें। ये देखें जी, हाय। ये चाइनीज़ लगती नहीं है कहीं से, कितना शार्प माइंड है ना इसका, चाइनीज़ कहीं से लगती नहीं है, मैं इसको बार बार कहता हूँ। अस्सलामुअलैकुम जी, तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अभी जी तमन मिनी उधर जी हम पहुँचने वाले हैं और एक प्यारी सी सुबह है और सुबह का है रगाज बड़ा अच्छा हुआ था, आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा। तो बस पहुंचने वाले हैं जी, साथ साथ आपको दिखा रहे हैं, आपको पूरी मैं कवरेज करवा रहा हूँ कि जी। और बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है ये, बहुत फेमस है इंडोनेशिया में। तो ये देखें, साथ साथ हमारे ये सारे टूर गाइडिस्ट हैं और चाइनीज़ गर्ल्स हैं मेरे साथ, मेरी दोस्त हैं बड़ी अच्छी। ये अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखती हैं और अपनी स्किन का भी, हमेशा छतरी पकड़ के चलती हैं। इस पर लग रहा है कि मैं फ़ोटो ले रहा हूँ। ओह व्हाट अ ग्रेट फोटो। ओह सॉरी, तकरीबन लगता है पहुँच ही गए हैं। और ये देखें जी, सारे रुके हुए कोई फ़ोटो ले रहा है, कुछ कह रहा है, क्योंकि मुझे इस जगह पर फ़ोटो नहीं चाहिए। लें जी, आई थिंक यही है वो, ये स्टेशन आई थिंक। क्रिसमस आने वाली है और ये क्रिसमस की सजावटें इधर चल रही हैं, चल के रही हैं हर हर जगह मॉल्स में। आप जाएं कहीं भी जाएं तो क्रिसमस के ये सजावटें, में क्रिसमस 25 को आपको पता है, तो इधर बड़े धूमधाम से क्रिसमस मनाई जाती है, क्योंकि इधर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि इधर क्रिश्चियंस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। बैठे हुए हैं और अभी जी बस का वेट कर रहे हैं फिर से। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, कोई 5 से 6 मैंने बसें पकड़ी थी, तो अभी फिर एक बस का वेट कर रहे हैं। और सुनने में यही आ रहा है कि ये जो बस है ये डायरेक्ट अमन मीन जाएगी, डायरेक्ट जी जहाँ हमने जाना है टूरिस्ट प्लेस से उधर जाएगी, लेकिन देखते हैं लेट्स सी क्या होता है। नहीं है और उसे पोस्ट सिखा दिया। तो देखिए जी, जैनी से पोज सिखा रहे हैं किस तरह करना है। ओह जैनी को खुद ही पोज सीखने की जरूरत है। इस टाइम गाड़ी आ चुकी है फाइनली, जो फाइनल जो डेस्टिनेशन है उसके लिए। तो अभी जी हम जा रहे हैं बैठ के, ये देखें लोग बैठे हैं अंदर। व्हाई गाइस नाना ऑलवेज जॉइनिंग मी, आई डोंट नो व्हाई, व्हाट डू यू डोंट नो, यू ऑलवेज जॉइनिंग मी। Sure. You're so handsome. So humorous. Oh, thank you so much. देख रहे हैं आप? देख रहे हैं आप? Accompany you to this entire trip on our way from the LRT station to Taman Mini Indonesia Indah. And now I would like I also would like to explain you about the history of Taman Mini. So Taman Mini is actually a recreational park that was opened in 1975. However, the idea of Taman Mini itself was actually pioneered by our first lady back then, Madam Tien Soeharto, the wife of the second president of Indonesia, yeah. Mr. Soeharto. And Taman Mini currently is supported by 4 pillars of tourism. So first there is green, and then there's also culture, and then there's also inclusive and smart. So one of the aspects of Taman Mini is green, which means that 70% of the area was a free emission zone and a green zone. So however, there is no emission allowed, and however we also facilitate a form of transportation, we call it as the Angling. So Angling itself is like a shuttle but was actually electrically powered, and the Angling itself will take you to wherever in Taman Mini. Taman Mini area is about 150 acres, and it is actually consists of 17 museums, 33 pavilion representing the 33 provinces of Indonesia, and also 16 recreational park, and also 30 garden. However, Taman Mini nowadays not only that, Taman Mini only covers the
This is the bhangra, bhangra. It's not traditional Pakistani Chinese bhangra. It's Pakistan style? Yeah, Pakistani bhangra. जी इस टाइम तमन में नहीं पहुंच चुके हैं, ये देखें जी आपके सामने हैं और ये सारे जी बाहर आ चुके हैं। खैर ये स्टार्टअप है पूरा, अभी तमन में नहीं पड़ा हुआ है, आपको दिखाते हैं जी। बड़ा हिस्टोरिकल ये जगह इनकी। नहीं जी अभी हम इंफॉर्मेशन सेंटर में हैं, ये देखें जी देख रहे हैं आप। ये देखें जी ट्रेडिशनल ड्रेस लोगों ने पहने हैं। लोग वाइब इंजॉय कर रहे हैं इधर बैठ के। ये देखें जी हिस्टोरिकल प्लेस तमन में देख रहे हैं जी आप। ये म्यूजियम है आई थिंक, ये सामने जो साहब देख रहे हैं बहुत ही इनका हिस्टोरिकल ये प्लेस है और आई थिंक इसको बाली गेट भी कहते हैं। बहुत ही मज़े की इधर की वाइब है, म्यूज़िक चल रहा है पीछे इनका जो हिस्टोरिकल म्यूज़िक है। ये देखें जी लोग पिक्चर्स ले रहे हैं, देख रहे हैं जी। फोटो ले रही है टैलेंट की, टैलेंट हमेशा से फ़ोटो लेता रहा है, हर चीज़ की से फ़ोटो ली है बस उसको छोड़ के, वॉशरूम की फ़ोटो नहीं ली। देखें यस फोटो ओके वेट 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 जी इंडोनेशिया म्यूजियम। ये देखें जी फोटो सेशन चल रहा फिर से स्टार्ट हो गया। जानी ने मेरी बहुत बुरी फ़ोटोज़ ली हैं लेकिन कोई बात नहीं। अभी बैठे हुए हैं इधर और बड़ी गर्मी लग रही है इस टाइम, और अभी टूर गाइडेड का जो है टूर गाइड जो है उसका वेट कर रहे हैं, उसके बाद जाएंगे। पीछे आप देख रहे हैं बड़ी मज़े की लोकेशन है और ये म्यूज़ियम है आई थिंक क्या ये म्यूज़ियम ही है, तो इसके अंदर बड़ी मज़े की जगह है। अभी वो टूर गाइड आएगा तो उसके साथ जाएंगे तो फिर आपको विज़िट करवाते हैं। आपको ना मैं अंदर से विज़िट करवाता हूँ। ये देखें जी देख रहे हैं मेरे सामने बंदे खड़े हैं दो बड़े खौफनाक किस्म के, तो मैं आपको अंदर से ज़रा विज़िट करवाता हूँ कि अंदर से किस तरह का। बहुत पुरानी इसकी हिस्ट्री है। ओह माय गॉड वाह ये देखें जी, ये देखें बच्चों का ट्रिप भी आया हुआ है इधर। बहुत ही पुराना जी हिस्टोरिकल प्लेस है ये, बहुत ही पुराना, तो आपको मैं नीचे से दिखाता हूँ। आप ये देखें जी चैनी ये देखें जी, थोड़ा सा मुझे वो चाइनीज़ वाला टच आ रहा है इसमें। ये देख रहे हैं बुत वगैरह ये सारे रखे हुए हैं। ये देखें जी फिशीज हैं बीच में, क्या मज़े का प्लेस है। ये देखें जी बच्चे भी, और ये जैनी भी आ गई है, इसको मैं बोलता हूँ फ़ोटो मेरी ले जरा इधर। जैनी कैन यू प्लीज़ टेक अ फ़ोटो। ये देखें जी मैं आपको इस साइड से ज़रा विज़िट करवाऊँ, आप सोच रहे होंगे कि ये साइड मैंने क्यों छोड़ दिया। ये देखें जी ये आई थिंक इसके अंदर म्यूजियम है। ओह माय गॉड देख रहे हैं जी आप, फिशेज देखें उन्होंने अंदर छोड़ी हुई है। ये देख रहे हैं ब्लैक फिश और ज़्यादा सी जो सी अंदर वो है जी गोल्डन फिश। इसके ऊपर मैं जा के आपको दिखाना चाहता था लेकिन इधर जूते उतार के ऊपर जाना पड़ेगा तो मैं फिर ऊपर इस तरह जा नहीं सकता। देख रहे हैं जी कितना खूबसूरत जी ये गार्डन बना हुआ है।
आपको यहाँ खूबसूरती ही खूबसूरती नज़र आएगी चारों तरफ। वो देखें, वो भी मज़े की जगह थी, लेकिन मैं उधर नहीं जा सकता क्योंकि मुझे जूते उतारने पड़ेंगे, तो सॉरी इसके लिए। ले जी मैं आपको फ्रॉक दिखाता हूँ। देखें, मुझे बहुत बड़ा एक फ्रॉक नज़र आया। ये देख रहे हैं मूर्तियाँ, पुराने ज़माने की मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं। ये इंडोनेशिया कल्चर दिखाया जी इसमें। ये देखें जी, हाय। मुझे लगता है मेरा भाई वेट कर रहे होंगे, मुझे वापस जाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत जगह है जी, तम्मन मीन। लें जी, देख रहे हैं आप कितनी खूबसूरत जगह है, और हर जगह आपको इधर हिस्ट्री ही हिस्ट्री नज़र आती है इंडोनेशिया की। ओह, लेकिन मुझे बुलाने आ गए हैं, तो बस जी अब आपका भाई जा रहा है। जा तो नहीं रहा, इधर सैड टूर गाइड लगता आ गया। इस लड़की को सिर्फ इंजॉय करना, डांस कर रही है। गाड़ी डाल चुका है सोना मुंडा। कितना मau briefing dulu soal apa trip kita hari ini. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Pagi. Kebetulan adalah tur perdana kami dan dimohon untuk kerjasamanya selama acara ini berlangsung, karena kita akan sampai malam dan tolong dijaga barang bawaannya. By Ida Bagus Tukur as the architect and the philosophy of this museum is Trihita Kirana. It means the philosophy, the kindness people to the earth and to the gods. Right. We will take a trip about 1 until 2 hours. मुझे बताया कि 1980 में ये प्लेस बना था, ये पीछे वाला, और अभी है इसको स्टिल उन्होंने मेंटेन रखा है, जो आगे भी हुकूमतें आई, तो ये 1980 में हैर ये बनी थी हैर प्लेस, ये जितना भी है पीछे। तो बहुत ही पुरानी जी इसकी हिस्ट्री है, और इंडोनेशिया के बहुत ही बड़ा प्लेस है ये, तो बड़ा जी इनके लिए अहमियत का हामिल है जी ये प्लेस। ये देखें जी, ये म्यूज़ियम है, और ये म्यूज़ियम फ्री है, इसकी कोई कहने की टिकट शिकट नहीं है, तो आप ये विज़िट कर सकते हो। कह रहे हैं कि वो देखें जी, ऊपर लिफ्ट भी चल रही है, वो सामने अगर आपको नज़र आ रही होगी, चेयर लिफ्ट भी चल रही है इधर। यू शुड गो टू चेयर लिफ्ट। यू मीन द केबल कार? या वो दिस वन। व्हाट्स दिस वन? वो दिस वन, दिस वन। यू सी दैट? या वो दिस वन। The tree? No, tree. What this one? Cable car. Yeah. Cable car. What have you all on top? Yeah. Always hands. Give me a hard take off. ये चाइनीज लगती नहीं है कहीं से, कितना शार्प माइंड है ना इसका, चाइनीज कहीं से लगती नहीं है। मैं इसको बार बार कहता हूँ, बातों बातों में ये ऐसी बजाती है ना। The biggest island in Bengkulu is the inside of the Sumatra Island, and Bengkulu has a traditional or endemic flora. As you can see, the name is flower. Yeah, flower. The name is Rafflesia arnoldi. You guys know? This is found by Mr. Botanical dari Inggris. Dan ditemukan di Bengkulu pada tahun 1880. अब ये दी बिगेस्ट नेशनल पार्क इन इंडोनेशिया, यानी कि इंडोनेशिया का सबसे बड़ा जो पार्क है ना वो यही है। तो उसमें आपका भाई फेरा, मुझे नहीं लगता कि इसे हम पूरा फेर पाएंगे, क्योंकि देखें ना सामने चेयर लिफ्टें भी लगी हुई हैं, तो बड़ा मुश्किल है जी पूरा पार्क फिरना। ट्रेडिशनल हाउस है 1980 का, ये देखें जी ट्रेडिशनल हाउस है, बहुत ही पुराना 1980 का। मैं अंदर नहीं जा रहा जी क्योंकि मैंने शूज़ पहने हैं, शायद आपको इधर से नज़र आ रहा होगा।
ये आपकी फरमाइश पे आपका भाई अंदर आ ही गया। तो ये अजी ट्रेडिशनल हाउस इंडोनेशिया का, अंधेरा बहुत ज़्यादा जी इधर, तो देख रहे हैं ये जो शादियाँ जो उनसी होती हैं इधर इंडोनेशिया में, तो ये जी ड्रेस पहनना चाहता है, ये देखें। पता नहीं अब आपको ठीक नज़र आ रहा है कि नहीं, क्योंकि इधर अंधेरा बहुत है। ये देखें जी ट्रेडिशनल हाउस के साथ इन्होंने हर चीज़ इधर इंडोनेशिया की जो ट्रेडिशनल है वो हर चीज़ रखी हुई है इधर, तो शादियों में यूज़ होती है आई थिंक बाकी भी। ये देखें जी डर सा लग रहा है मुझे, ये देखें आई थिंक ये मसारी मसूरी बनाई हुई है। Hi guys. She's our tour guide. Yes. Hello, I'm Fia. Very talented girl. Kamu cantik. Ah, thank you. Kita lagi ada di Bengkulu. Di sini kita ke Sumatera Barat. Oh, Sumatera? Yes. Oh, good. West Sumatra. West Sumatra. Yeah. So, the country is Padang. Padang, I really like Padang food. Yes. Yeah. Yummy. Yeah, very yummy. You know about rendang? Yes. Yeah, rendang is also very delicious. Yes, I'm from Padang. Oh, you're from Padang. My mom cook rendang. It's very yummy. Can you please invite me in your yes. home? Yeah. Okay. Bye bye. फ्रेंड्स जी बड़ी खूबसूरत जगहों से गुजरते जा रहे हैं इस टाइम, ये देखें रेस्टोरेंट भी बना हुआ है। अच्छा जी ये मुझे लगता है स्टेज बना हुआ है कोई 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 इवेंट करवाने के लिए। ओह माय गॉड बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर। ट्रेडिशनल हाउस में है इंडोनेशिया का, बहुत ही पुराना 1980 का। इतो नामान्या वो देखें जी पार्क सामने आ गया इंडोनेशिया। वो देखें कितना बड़ा पार्क है जी सामने। देखें जी ये लेक है गार्डन की, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जी इस टाइम पर देख रहे हैं। बारे में मुझे अभी पता लगा कि ये मैप ऑफ इंडोनेशिया और ये मैप बनाई आइलैंड्स बने हुए हैं, देख रहे हैं आप इन्होंने आइलैंड्स बनाए हुए हैं। क्रिएटिविटी चेक कर रहे हैं कि इंडोनेशिया के जो आइलैंड्स हैं ना इन्होंने ये बनाए हुए हैं। मैप अगर आप ऊपर से देखेंगे ना इसलिए वो चेयर लिफ्टें इसलिए चल रही हैं, तो ये पूरा बाकायदा एक मैप बना हुआ है। ओ वाओ ब्यूटी चेक करें, वाओ मैं जी सकारांग सांपाई ये देखें जी एस्ट्रोनॉट भी नज़र आया इधर और स्पाइडरमैन भी नज़र आया, देख रहे हैं। लें जी बड़ी देर हो गई है फिर रहे हैं और इस टाइम आपको क्या बताऊं, बड़ी गर्मी है इस टाइम और बहुत थक चुका हूं मैं। अब मेरा दिल कह रहा है वापस जाऊं लेकिन क्या करें, लेकिन बहरहाल मुझे मज़ा भी आ रहा है जगह देख के, बड़े मज़े की जगह। ये देखें जी सामने जी प्लेन है, ये फर्स्ट इंडोनेशिया का प्लेन है जो बना था जी इंडोनेशिया में,
ये जी फर्स्ट इंडोनेशिया का प्लेन है जो आप सामने प्लेन देख रहे हैं, देख रहे हैं जी आप। आई थिंक ये डोमेस्टिक के लिए बना होगा ऑब्वियसली। तो इधर कोई अरबी लिखी हुई है आई थिंक, अल बखान फमर नता, पता नहीं क्या लिखा हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी बाईसाइकिल मुझे मिल गई है इस टाइम, और ये तीन बंदे में से दो बंदे ख्याल चला सकते हैं, देख रहे हैं जैसे बाइक आ रही है। प्लेन खड़ा हुआ इंडोनेशिया एयरवेज। हो, आई एम सो टायर्ड गाइस, आई डोंट वांट टू वॉक। मेरे नाना का इंटरव्यू चल रहा है, मेरा हो चुका है लेकिन अभी नाना का चल रहा है। थैंक यू जी। ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमेशा की तरह मेरे वही अल्फाज है, तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं जी आपको बताया कि इधर इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ये जी पार्क है, सबसे बड़ा है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस पार्क इन इंडोनेशिया। तो इधर जी अभी हम मौजूद हैं और अभी जी बस जाने का टाइम हो चुका है क्योंकि इतना बड़ा पार्क है ये पूरा विजिट नहीं कर सकते। तो अभी जी थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, अभी खाने का टाइम हुआ, खाना खाने के बाद शायद थोड़ी देर बाद चले जाएँ, और अगर किसी और प्लेस पे गए वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, अगली वीडियो देखिएगा उस प्लेस को देखने के लिए। तो जी इस अब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिएगा, बड़ा मज़ा आया जी, बहुत खूबसूरत एटमोसफेयर था इधर और आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। तो लें जी जाने का मेरा दिल तो नहीं कह रहा लेकिन जाना पड़ेगा आपके भाई को। तो ले जी अल्लाह हाफिज़।